Hello, student. Today we are going to continue Chapter Fifth, Principle of Inheritance and Variation. Student, in my previous video, we have discussed about what is genetics, and we study that genetics is a study of heredity and variation. Heredity is a transmission of character from one generation to the next generation, and variety is a difference in the character between the parents and offspring. Then we read that gregor john mendel conducted hybridization experiments on garden pea the botanical name is pisum sativum actually mendel conducted hybridization experiment on a garden pea for seven years and proposed the law of inheritance in a living organism so gregor john mendel is also known as the father of genetics we read that he chose the seven contrasting characters of pea plants in pea plants, and what are these characters? Flower color, flower position, seed color, seed shape, pod shape, pod color, and stem length. Now, today, student, we are going to continue with the topic mandel experiment. How he do the experiment? i explain it in three steps the first one is selection of a pure parents the second is hybridization of pure plants from f1 generation and the third one is self-breeding in hybrid plant for f2 and f3 generation we read that in the three step what is the meaning of pure parents what is the meaning of hybridization and f1 f2 f3 generation so the first step is selection of pure parents. Now, what do you understand about the pure parents and pure variety? We also call true variety. Actually, student. Ne apne experiment force cross karvaya in between the pure variety. Tha. Okay, Mandel selected the 7 pairs of pure or true breeding varieties. अभी प्योर वेराइटीज़ हैं क्या एक्चुअली प्योर वेराइटीज़ होमोजाइगस कंडीशन होती है जिसमें हम सेल्फ एक होमोजाइगस कंडीशन एक होमोजाइगस प्लांट जिसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो नेक्स्ट टू थ्री फोर जनरेशन तक केवल होमोजाइगस कंडीशन आ रही है दैट मीन्स अगर हम टॉल वेराइटी को क्रॉस कराते हैं अगर हम सेल्फ ब्रीडिंग टॉल वेराइटी के बीच करवा रहे हैं तो ऑल द ऑफ स्ट्रिंग्स आर टॉल अंडरस्टूड होमोजाइगस कंडीशन ओके यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस दिसग्राम स्टूडेंट होमोजाइगस कंडीशन इज दिस यहाँ आप देख रहे हो कि जो एल एल है वो जीनोटाइप करेक्टर जो है कैपिटल टी कैपिटल सो होमोजाइगस कंडीशन तो ये आपका प्योर वेराइटी है टॉल प्लांट्स की ओके अगर हम टॉल प्लांट्स और टॉल प्लांट्स के बीच सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं ओके okay? तो नेक्स्ट जनरेशन भी हमारी टॉल होगी एंड दे हैव द एले सेम एज देयर पेरेंट्स सो वो आपका प्योर वेराइटी और प्योर पेरेंट्स हो जाते हैं ओके okay? यहाँ पे आप देख रहे हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ठीक है टॉल प्लांट्स एंड प्योर वेराइटी एंड ड्रॉफ्ट प्योर कैपिटल डी कैपिटल डी बट आफ्टर क्रॉसिंग यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एफ वन जनरेशन है जो फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग है वो आपके टॉल है बट कंडीशन कौन सी है हैट्रोजाइग एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है करेक्टर्स वो अपेयर होगा जो डोमिनेंट है बट रेसेसिव करेक्टर्स कहीं ना कहीं जीन तो प्रेजेंट है तो एफ टू जेनरेशन में कहीं ना कहीं वो करेक्टर्स आ सकता है ओके okay. यहां पे सिर्फ आपको इतना समझना है कि वट इज द होमोजाइगस कंडीशन यहां पे ये टॉल प्लांट कैपिटल टी कैपिटल टी शो कर रहा है तो होमोजाइगस कंडीशन है स्मॉल टी स्मॉल टी है तो होमोजाइगस कंडीशन है लेकिन स्मॉल टी और कैपिटल टी है तो हैट्रोजाइगस कंडीशन है लेकिन करेक्टर फिनोटाइप करेक्टर्स वो अपेयर होगा जो डोमिनेंट करेक्टर्स है टॉल और ड्रॉफ्ट में टॉल डोमिनेंट करेक्टर है तो टॉल अर ओके तो होमोजाइगस कंडीशन को ही हम क्या बोल रहे हैं प्योर पेरेंट्स सो अ प्योर वेराइटी गिव राइज टू ऑफ स्प्रिंग सिमिलियर ट्रेट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ओके और सेल्फ ब्रीडिंग यू सी टॉल वेराइटी प्रोड्यूस ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है ना अगर आप होम टी टी को होमोजाइगस कंडीशन प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करवा रहे हो कैपिटल टी कैपिटल टी से ही तो सारी ऑफ स्ट्रिंग आपकी टॉल तो होंगी और सब होमोजाइगस होंगे ओके एंड सेम अ वॉयलेट फ्लावर वेरायटी प्रोड्यूस वॉयलेट फ्लावर ऑफ स्प्रिंग तो इस वेरायटी को हम क्या बोल देंगे होमोजाइगस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे अ प्योर वेराइटी ऑफ दिस प्लांट ट्यूब रीडिंग और प्योर वेराइटी प्लांट्स फ्रॉम पेरेंट जेनरेशन एंड वर यूज फॉर द नेक्स्ट स्टेप नाउ द सेकेंड स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट वट इज हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग फॉर मेकिंग ऑफ टू वेराइटी ऑफ अ प्लांट ऑफ और एनिमल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन यहां हम प्लांट की बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इज वट क्रॉसिंग ऑफ टू वेराइटी ऑफ प्लांट इज हाइब्रिडाइजेशन ओके मैंडल ने क्या करा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट टू फॉर फॉर गेटिंग एफ वन जनरेशन इसमें समझिए ये आपका होमोजाइगस जो दोनों कंडीशन है ये आपकी पेरेंट जेनरेशन है ओके पेरेंट जनरेशन उसने प्योर और ट्रू ब्रीडिंग सिलेक्ट किया था मैंने आपको बताया कि होमोजाइगस कंडीशन ओके प्योर वेराइटी तो टॉल प्लांट जो है उसका जो जीनोटाइप्स है वो एलेस है द सेम तो होमोजाइगस कंडीशन ये आपकी प्योर हो गई प्योर टॉल और ये प्योर ड्रॉप ओके तो दिस इज रिप्रेजेंटेड पेरेंट्स जनरेशन जब हमने इनमें क्रॉस करवाया ओके okay, क्रॉसिंग और क्रॉसिंग करवा रहे तो ये हाइब्रिडाइज हाइब्रिड्स है, हो गए ओके हाइब्रिडाइजेशन सो सो जो हमें एफ वन जनरेशन है एफ वन दैट मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन एफ इज़ रेफर टू फीलियल ओके फर्स्ट फीलियल प्रोजेनी और वी ऑल्सो कॉल एफ वन जनरेशन ओके जब हमने क्रॉस करवाया सो एफ़ वन जनरेशन हमें मिली के okay. the प्रोड्यूस्ड produced दिस क्रॉस cross टू डेवलप्ड to टू द प्लांट एंड दिस इज द the F1 जनरेशन एंड यहां पे आप देख रहे हो F1 generation जो है वो हैट्रोजाइगस है ओके okay. हेट्रोजाइगस कंडीशन क्यों है क्योंकि जो आपके आल है एक टॉल तौल है टॉल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और एक रेसेसिव करेक्टर दैट मीनस ड्राफ्ट लिए रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन फिनोटाइप करेक्टर्स वो अपेयर होगा जो डोमिनेंट है ंडरस्टैंड जीनोटाइप ऑल आर टॉल ओके क्योंकि कैपिटलिटी सब में प्रेजेंट है तो डोमिनेट करेक्टर आएगा और फिनोटाइप्स ऑल आर टॉल ओके फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों यहां पर क्या आ रहे हैं टॉल आ रहे हैं तो एफ वन जेनरेशन में सारे प्लांट्स आपके टॉल होंगे लेकिन हेट्रोजाइगस नॉट होमोजाइगस ओके नाउ द नेक्स्ट स्टेप

एफ वन जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जो सीड हमें मिले हैं ओके द सीड प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस उनमें हमने क्या करवाया सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हमें क्या मिली एफ टू जनरेशन एंड नेक्स्ट एफ थ्री जनरेशन एफ टू जनरेशन में यू कैन सी हियर दैट सम आर टॉल सम आर टॉल ओके एंड कहीं ना कहीं एक रेसेसिव करेक्टर्स जो आपका F1 वन जनरेशन में छुप गया था वो F2 टू जनरेशन में फिर अपेयर हो गया ओके तो ये आपका होमोजाइगस ड्रॉफ्ट प्लांट हो गया ओके तीन आपके टॉल प्लांट्स हैं ये तो होमोजाइगस टॉल है तो ऑब्वियसली फिनोटाइप टॉल ही होगा ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट करेक्टर होता है वो अपेयर होता है तो टॉल प्लांट जो फिनोटाइप फिनोटाइप कंडीशन जो होगी ओके जो हमें दिख रहा है वो क्या होगी आपके कि दो प्लांट्स आपके तीन प्लांट्स आपके टॉल होंगे एक होमोजाइगस और दो हेट्रोजाइगस ओके एंड एक आपका ड्रॉफ्ट प्लांट होगा ओके सो कहीं ना कहीं आपका जो करेक्टर्स था ड्रॉफ्ट का वो प्लांट्स में वो सीड में प्रेजेंट था जो सेकेंड जनरेशन्स में फिर से अपेयर हो गया आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअली स्टूडेंट ही ऑल्सो ऑब्जर्व एक तो उन्होंने ये तो ऑब्जर्व किया ही किया उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि एफ वन जनरेशन्स में जो ड्रॉफ्ट वेराइटी थी वो बिल्कुल छुप गई आप देख रहे हो एफ वन जनरेशन में दोनों प्लांट्स जितने भी प्लांट्स हमारे फाउंड होंगे वो सारे हमारे टॉल प्लांट्स हैं ओके okay? तो ड्रॉफ्ट करैक्टर तो शो ही नहीं हुआ सो एफ वन ऑलवेज रिजेंबल आई दर वन ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड द ट्रेड ऑफ अदर पेरेंट्स वॉज नॉट फाउंड इन एफ टू जनरेशन ही फाउंड दैट सम ऑफिस प्रिंग वर ड्रॉफ्ट द करेक्टर वॉज द करैक्टर विच वर नॉट सीन इन एफ वन जनरेशन यहाँ पर आप देख रहे हो एफ वन जनरेशन में डॉफ प्लांट नहीं है सो द करेक्टर विच वर नॉट सीन इन एफ वन जनरेशन वॉज एक्सप्रेसेस इन एफ टू जनरेशन एफ वन जनरेशन में डॉफ प्लांट नहीं है लेकिन एफ टू जनरेशन में वो फिर से रीअपेयर हो गया सो मैंडल ऑल्सो फाउंड आइडेंटिकल रिजर्ट इन डाई हाइब्रिड क्रॉस एज एन मोनोहाइब्रिड ओके This is all for today.